हेलो दोस्तों, स्वागत है ठाकुर जी के श्री चरणों में। आज हम देखेंगे जो शॉपिंग एक हुई है ठाकुर जी की, राधा रानी की, बाल गोपाल की। जैसे अभी हमें पता ही है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स आने हैं, तो मैंने कुछ शॉपिंग की कि चलो जिस फेस्टिवल पे जिस ड्रेस के ऊपर जो ज्वेलरी चल जाएगी वो वाली हम उनको पहना लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो ज्वेलरी का कलेक्शन है वो जो मैंने अभी न्यूली परचेज किया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लॉन्ग वाले हार से। जैसे ये देखिए, ये है लॉन्ग में, इसका मैं खोल के दिखाती हूँ। ये रहा खुला हुआ पीस, ये है ऐसे। इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा दिया है जो कि हर ड्रेस के ऊपर अच्छा लगेगा। और पीछे अभी ये लूप्स दिए हुए हैं, हम इसमें अपने हिसाब से अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से थ्रेड डाल सकते हैं। तो ये भी डबल पीस है, एक राधा रानी का और एक ठाकुर जी का। और ऐसे ही एक दो हैं कुंदन के और ये जरकन में। ये देखिए, एक है ये वाला, इस एक ये भी पेयर में है। इसके पीछे थोड़ा सा थ्रेड उन्होंने दिया है, हम इसको चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं। और इसी से मैचिंग एक और है गोल्डन कलर का, ये देखिए, ये भी सेट है। मतलब प्राइस इनका अलग अलग होता है लेकिन हम लोग लेके आए हैं इसको सेट के अंदर, ये देखिए। और उसके बाद अगर हम आए कुंदन के लॉन्ग सेट्स के ऊपर, तो कुंदन में ये देखिए, एक डिज़ाइन ये वाला है कुंदन का और एक डिज़ाइन है ये वाला। इनके मैं आपको खुला हुआ दिखाती हूँ, ये रहा, ये देखिए, ये है खुला हुआ। इसका भी कलर कंट्रास्ट एकदम रियल लुक देता है और बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। ये भी सेट में ही है और एक है ये वाला ग्रीन कलर का कुंदन में, ये देखिए। ये मुझे सिंगल पीस ही मिला बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा और एकदम क्लासी पीस लग रहा था, तो मैंने ये भी ले लिया कि फिर कभी जाएंगे तो शायद दूसरा पीस भी मिल जाए, तो इसलिए मैं इसको ले आई थी। और उसके बाद लॉन्ग में आते हैं एडी का। ये वाली ज्वेलरी जो होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, थोड़ी नहीं काफ़ी, बट लेकिन इस ये जो होता है ये कभी भी ब्लैक नहीं होता। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो है ये तकरीबन हमें 2100 रुपये का सिंगल पीस पड़ता है। ये देखिए, इसमें भी पर हमें थ्रेड लगाना पड़ेगा बट लेकिन ये जो है ब्लैक नहीं होता। ये देखिए, इसका भी डबल में है, एक थोड़ा सा छोटा है तो ये कम में पड़ा। ये शायद 1900 का है क्योंकि इसका थोड़ा साइज छोटा है, ये देखिए। और उसके बाद हम देखते हैं छोटे गले के कुंदन के, एक सॉरी ये भी है, ये है गले का चोकर, ये देखिए। ऐसे ये प्रॉपर जैसे हमारे डोरी होती है प्रॉपर उसके तरीके से डोरी वगैरह डाल के बनवाया हुआ है। और इसके साथ ही कान के भी हैं ये वाले, ये देखिए, ये हैं इसके कान के। ऐसे ही इसके साथ भी हैं कान के, ये जो अभी हमने देखा था एडी का, इसके भी हैं कान के, ये रहे। इसके साथ सेम तो नहीं बट लेकिन हाँ, एडी में कभी भी कान के आपको साथ नहीं मिलेंगे, आपको वहाँ से मैचिंग करना पड़ता है, तो ये मैचिंग में मुझे मिले। और उसके बाद हम आते हैं, ये था कुंदन में चोकर, अब हम थोड़ी सी जो लंबी माला होती है कुंदन की, ये चोकर
और लॉन्ग के जो बीच में आता है एक साइज, ये है वो वाला, ये देखिए। इसमें भी पूरा प्रॉपर हमें थ्रेड दिया हुआ है, तो डोरी की भी ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन आप इसका लुक फील और इसकी जो फिनिशिंग है वो देखिए। ऐसे ही एक और है, ये है बाल गोपाल का, ये इसी के साथ के हैं सारे। और ये है बाल गोपाल के साइज का, ये देखिए। अगर हम चाहें तो चोकर के रूप में ठाकुर जी को और राधा रानी को भी पहना सकते हैं। आप इसका फिनिश देखिए। और एक ये है, एक है ये वाला, ये देखिए, ये भी बाल गोपाल को भी पहना सकते हैं और हम ठाकुर जी और राधा रानी को भी पहना सकते हैं। और उसके बाद है ये, ये है बाल गोपाल की माला। और उसके बाद दिखाती हूँ चोकर, ये देखिए, ये है चोकर, ये इसके साथ पेयर बनता है। आप इसके साथ भी पहन सकते हो, पहना सकते हो, और इसके साथ भी ये जाता है कंट्रास्ट में। ये रहा इसका खुला हुआ, ये देखिए। मतलब कितना अच्छा कॉम्बिनेशन इसका जा रहा है। अगर हम इसको वाइट के साथ भी पहनाएंगे तब भी ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये देखिए। और आप इसकी फिनिशिंग देखो। और ये है कंगन, ये भी दो पेयर हैं, ये देखिए। और एडजस्टेबल है, हम इसको कितना भी खोल सकते हैं। और ये है कान के, उसी के मैचिंग हमें बनाने पड़ते हैं, बट लेकिन ये बाय चांस मैचिंग मिल गए हमें, ये देखिए। इनको साथ साथ डालना भी वो है, वरना मिक्सअप हो जाता है सारा। और ये है पायल, ये देखिए, बहुत ही सुंदर पायल्स हैं ये। और ऐसे ही एक पेयर ये भी है, स्टोन और पर्ल के साथ। और उसके बाद हम आते हैं बाल गोपाल के मुकुट पे, ये भी एडी के हैं। ये वाले भी थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बट लेकिन इनका वही है कि ये कभी भी ब्लैक नहीं होंगे। ये देखिए आप, हम बाल गोपाल को भी लगा सकते हैं और ठाकुर जी की पगड़ी की अटैचमेंट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी जो इसका श्रृंगार हुआ था बसंत पंचमी का, उसमें ठाकुर जी की पगड़ी के अंदर ऐसा ही एक मुकुट लगाया हुआ है। ये है बड़े वाले बाल गोपाल के लिए और ये है छोटे वाले बाल गोपाल के लिए। हालांकि मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सुंदर लगा तो ले लिया कि पगड़ी की अटैचमेंट में भी यूज़ हो जाएगा। और एक ये है एडी का ही गले का चोकर, ये देखिए। आप इसकी फिनिशिंग देखिए कि खुद से पता चलता है कि हाँ कोई चीज़ है ये। और उसके बाद हमने कुछ लिए पगड़ी की अटैचमेंट्स, जैसे दो ये लिए, एक ये वाली पगड़ी की अटैचमेंट ली और एक हमने ये, और फिर कुछ ये छोटी छोटी नथ टाइप थी। हालांकि मैंने आज तक कभी नथ नहीं पहनाई है, मैंने एक ऑनलाइन मंगवाई भी थी बहुत अच्छी, लेकिन वो भी मुझे साइज़ छोटा लगा, तो फिर ये बहुत सारी कलरफुल में नथ लेके आई, ये देखिए। तो आपने देखा कि ये छोटी छोटी और सुंदर सुंदर आइटम्स कितनी अच्छी लगती हैं।
एक ये है, ये रह ही गया था। तो ये उलझ जाते हैं क्योंकि बहुत बारीक चेन होती है इसके अंदर, तो थोड़ा सा इसको देख के रखना पड़ता है। ये देखिए, ये है ऐसे ऐसे। इसको हम कमरबंद भी बना सकते हैं, इसको हम चोकर भी बना सकते हैं, और थोड़ा सा हम धागा डाल के इसको लॉन्ग हार भी बना सकते हैं। इसको हम हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं पेयर में ही लेके आई हूँ, ये देखिए, ये उसी का ही डिज़ाइन है। और ये भी वो है जो कभी काला नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि थोड़ी कॉस्टली हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी आप ये लगा लो कि थोड़ी लाइफ अच्छी होती है, कि वो जल्दी से ब्लैक नहीं होती हैं। क्योंकि जर्कन या कुछ और हम लेते हैं तो वो साल दो साल में ब्लैक होना शुरू हो जाता है, लेकिन हम अगर जैसे एडी या कुंदन में कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो जल्दी से ब्लैक नहीं होती। आई थिंक 8-10 साल की तो वो खुद ही गारंटी लेते हैं कि 8-10 साल इसको कुछ भी नहीं होगा। तो ये थी हमारी छोटी सी शॉपिंग त्योहारों के नाम की। तो आशा करती हूँ कि आपको ये ठाकुर जी की, बाल गोपाल की, राधा रानी की ज्वेलरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कलेक्शन कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई उमंग, नए उत्साह और नए विचारों के साथ। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।